और तब गंधर्व ने गुरु दीक्षिणा में गुरु दक्षिणा में और सफेद कलर के दो घोड़ा दान में दे अर्जुन को। सफेद कलर के दो घोड़ा दान किए और कहा है अर्जुन आप मेरे गुरु हैं और जब तक पृथ्वी और आकाश रहेगा तब तक मैं आपको गुरु मानता रहूंगा। और ये घोड़ा इतने तेज चलने वाले हैं जो मन से अधिक तेज चलने वाले हैं और जिस तरफ आपकी नजर मुड़ जाएगी तो घोड़ा उसी समय मुड़ जाएंगे। अर्जुन ने कहा गंधर्व अबे हमें दान की कोई जरूरत ना है, अबे आपका दान हमें कोई नहीं चाहिए क्योंकि हम आपत्ति में हैं। अगर देना चाहते हो तो ये घोड़ा हमारे तुम्हारे पास उधार रहे, जब हमारे समय आ जाए तो आप अपने घोड़ा हमें दे देना। तो घोड़ा जब मांगे थे अर्जुन ने जब महाभारत स्टार्ट हुआ था, बोलिए गोविंद भगवान की। वो मन से ऐसे अधिक चलने वाले तेज थे जो सफेद कलर के घोड़े थे वो गंधर्व ने दिए थे। और महाभारत सम्राट तो जो कह देते हैं चित्रत नाम के गंधर्व को तो दुर्योधन ने दावा था, दुर्योधन बांध लिया था उसने, लेकिन उन्हें मालूम नहीं चित्रत कौन था। महाभारत सम्राट उन्होंने कहा है कि चित्रत नाम के गंधर्व ने दुर्योधन को बांध लिया था, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि दुर्योधन को किसने बांधा था। बोलिए गोविंद भगवान की। और जिस समय पांचों भाइयों को लेकर के और नदी के पार भये हैं तो चित्रत नाम का गंधर्व बार बार करबंद निवेदन करके और हाथ जोड़ करके कहता है अरे जात न लोटी नगर कुआ हो करके गंधर्व बोले जादना लौट के आओ तादना एक बार दर्शन होते जाइयो। पांचों पांडवा अर्जुन का इंद्र कही जाती थी, पांचों पांडव इंद्र कही जाती थी, इनके दर्शन के लिए इंसान तरसता था। और देखिए दुर्योधन उन्हें मारने फिर रहा है, जाकुर आके साइया मार सके ना कोई और पार न बांको कर सके चाहे जगबेरी होए, संसार दुश्मन बना रहे लेकिन परमात्मा रक्षक है उसका कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। और भगवान कन्हैया बैठ के देख रहे हैं पांडवा बचत हो गए अंटा में, पांडवा अंटा पे तो बचत हो गए और जब पार भये तो कहां पहुंचे दानवों के क्षेत्र में पहुंचे जहां नागालैंड बिहार कहते हैं, वहां दानवों का इलाका था, वहां एक दानव रहता था और दानव की बहन रहती थी। और भीमसेन ने
जब पांचों भैया को, पांचों भाइयों को और मैया आए, जब पृथ्वी पर उतारो अपने शरीर पे थे, तब मैया ने कही लला भीम ने कहो पानी हो तो तने प्यास लगी रही। भीम ने कही मत जा तू, तू तब ते पानी की ना कही सकी, पर नदिया में एक घंटा लड़ाई होती रही, अब तू प्यासी है। तो भीमसेन एक चीज को जानने वाले थे, ये लड़के भीमसेन एक चीज को जानने वाले थे, तो भीमसेन ने अनुमान किया कि पानी यहां तो कितनी दूर रहेगा, नदिया तो बहुत दूर छोड़ आयो, यहां पास में कोई पानी है या नहीं है। तो भीम ने अनुमान लगाया कि अगर पानी कहूं हो तो पक्षी आवाज कर रही होंगे, पक्षी चेचे आ रहे होंगे। तो भीम ने अनुमान कर लिया और अनुमान करके विचार लगाया होगा मैया तब तक तू सो, मैं तेरे लिए जल लेके आता हूं। क्या और जल लेवे के लिए भीम चले हैं, चारों भाइयों को सुबा दिया और मैया क्या आगे लेके आ गई।